हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर फोर एयर। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को अपनी नीड्स के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, बट वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते। बैक्टीरिया जो कि सॉइल में पाया जाता है, एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इन द फॉर्म सो दैट द प्लांट कैन यूज़ इट। बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं। तो जो प्लांट्स रहते हैं, वो प्लांट्स उन बैक्टीरियाज़ के थ्रू नाइट्रोजन को लेते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, हमारे अर्थ पे 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और रेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन्स और अदर गैसेज हैं। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर के। एटमोसफेयर के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, इट्स एवरेज हाइट उसकी क्या है, 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिट्स एयर, जो हवा जिससे हम सांस जिसको हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में है। वेदर फिनोमनाज लाइक रेनफॉल, यहाँ पे वेदर फिनोमनाज भी होती हैं जिसमें रेनफॉल होता है, फॉग होता है, हेलस्टॉर्म्स होता है, या हेलस्टॉर्म्स ऑकर इन दिस लेयर, और ये सारी चीज़ें इस लेयर में होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटोस्फीयर, इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो क्या होता है, 50 किलोमीटर तक की हाइट तक होता है, और ये एरिया फ्री फ्रॉम क्लाउड, ये एरिया फ्री रहता है क्लाउड से, और यहाँ पे कोई वेदर फिनोमेनाज नहीं होती हैं, इसलिए ये एरोप्लेन उड़ाने के लिए बहुत अच्छा होता है, और इस लेयर में ओजोन गैस भी पाई जाती है। तीसरा है मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और ये जो है 80 किलोमीटर हाइट तक होता है। इसमें मेटेरॉइड्स जो रहते हैं, जो आते हैं, वो यहाँ पे आके वन हो जाते हैं इस लेयर में, एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से आने वाले जो भी मेटेरॉइड्स रहते हैं इसमें आने से पहले, वो वन हो जाते हैं। फिर आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या है, राइजेज वेरी रैपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। हाइट बढ़ने के साथ में जो हाइट बढ़ने के साथ में जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत रैपिडली बढ़ता है थर्मोस्फीयर में। इसमें आयनोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस, आयनोस्फीयर इसका पार्ट है। इट एक्सटेंडेड बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर, और यहाँ पे क्या है, 80 से 400 किलोमीटर तक इसका एरिया बढ़ता है। हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, और ये रेडियो ट्रांसमिशन में भी हेल्प करते हैं। रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड होती हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ एंड रिफ्लेक्ट बैक बाय दिस लेयर, और ये जो लेयर है इससे रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आती हैं। फिर आता है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर वेरी थिन एयर, यहाँ पे जो एयर है वो बहुत थिन है। लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इन टू द स्पेस फ्रॉम हेयर, और जो लाइट गैसेज हैं जिसमें हीलियम है, हाइड्रोजन है, वो क्या करेंगी, फ्लोट होती हैं इस पर। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसकी, जो इन्फ्लुएंस करता है किस पर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर का और इंसुलेशन का। इंसुलेशन इन द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसुलेशन मतलब क्या होता है, वो सोलर एनर्जी जो अर्थ ने रिसीव की है, जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिली है, सन से मिली है। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, तो जो इंसुलेशन है या फिर जो सन की जो एनर्जी है, वो सन रेज हैं, वो हमें कम मिलने लगेंगी। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मीजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से मीजर करते हैं, जिसको एंड्रेस सेल्सियस ने इन्वेंट किया था। अब हम एयर प्रेशर की बात करते हैं। एयर प्रेशर में एयर हाईएस्ट एट सी लेवल पे हाईएस्ट होता है, और डिक्रीज होता चला जाता है धीरे धीरे करके हाइट के अकॉर्डिंग। हॉरिजॉन्टल इन्फ्लुएंस बाय टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। किसी भी एक, अगर हम गिवन पॉइंट की बात करें, तो हॉरिजॉन्टली जो टेम्परेचर रहता है वो इन्फ्लुएंस होता है एयर के प्रेशर के कारण। जो एयर प्रेशर रहता है वो हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो अगर भारी एयर है, तो एयर गेट हीटेड एंड राइजेस, तो हाई टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से वो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउड्स, स्काइज एंड वेट वेदर। और लो प्रेशर क्या होता है, एकदम खुला हुआ साफ हमें आसमान दिखता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि लो प्रेशर रहता है। लोअर टेम्परेचर एयर इज कोल्ड हैवी, तो जो अगर लोअर टेम्परेचर है, जैसे हाई टेम्परेचर में क्या था, जो एयर थी वो क्या हो जाएगी, हीटेड होगी और राइज हो जाएगी, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बनेगा। लेकिन इसकी वाइस वर्सा कंडीशन किस में होती है, लोअर टेम्परेचर में, वहाँ पे एयर जो होती है ठंडी होती है, ठंडी होने की वजह से वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है। हाई प्रेशर से क्या होता है, क्लियर और सनी स्काई एसोसिएटेड रहता है, और एयर ऑलवेज मूव करती है कहाँ से, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में। ऑन द मून देयर इज़ नो एयर,
कोई मून पे एयर नहीं है, दैट इज़ वाई एस्ट्रोनॉट्स जो वहाँ पे जाते हैं उन एस्ट्रोनॉट्स को एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो सूट होता है उसको पहन के जाना पड़ता है। अगर वो ऐसे नहीं जाएंगे तो उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाएंगे और वो वहाँ पे मर जाएंगे। इसके बाद ऐसे बहुत सारे सन हमें एनर्जी देता है और पूरे सोलर सिस्टम में एक सन ही एनर्जी का सोर्सेज है। इसके बाद जब एयर इज़ हीटेड, जब एयर हीटेड हो जाती है तो वो एक्सपेंड करती है, और जब वो ठंडी होती है तो वो क्या होती है, जम जाती है टाइप। अब विंड की बात करेंगे, मूवमेंट ऑफ एयर प्रेशर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। जो विंड होती है, विंड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है। विंड का विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। विंड जो है वो थ्री टाइप्स में बटी हुई है। पहला क्या है, परमानेंट विंड। परमानेंट विंड मतलब ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स में जिसमें वेस्टर्ली और ईस्टर्ली होती हैं। वेस्टर्ली ईस्टर्ली मतलब ये वो एयर रहती है जो कॉन्स्टेंटली पूरे साल भर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं। सीजनल विंड वो विंड होती हैं जो किसी जो सीजन के संग में अपने जो डायरेक्शंस हैं वो चेंज कर लेती हैं, जैसे मॉनसून इन इंडिया। लोकल विंड्स वो होती हैं ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, जो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के समय में ब्लो होती हैं ऑफ द डे और ईयर इन ए स्मॉल एरिया, किसी भी स्मॉल एरिया में। जिसका एग्जाम्पल क्या है, लैंड और सी ब्रीजेस, हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स। हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स होती हैं वहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स पे इंडिया के। जो ड्राई हवाएं जो चलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में गर्मियों में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। अ विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जब विच इज ब्लोज द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द बेस्ट इज कॉल्ड बेस्टर्ली। जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उस डायरेक्शन के हिसाब से उसकी नाम बदल दी गई है। जैसे बेस्ट में बहती है तो बेस्टर्ली, ईस्ट में बहती है तो ईस्टर्ली। इसके बाद हम मॉइस्चर की बात करते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। किसी भी दिए हुए समय पे जो हवा में जितना जो बाष्प है, या जिसको हम वेपर बोलते हैं, या वेपर बोलते हैं या मॉइस्चर बोलते हैं, उसकी जितनी परसेंटेज है उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। व्हेन एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट ह्यूमिड डे। जब जो एयर है वो वाटर वेपर से फुल है एकदम, तो उसको हम क्या कहेंगे, ह्यूमिड डे कहेंगे। एज द एयर गेट वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। जैसे 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 हवा गर्म होती चली जाएगी तो वाटर वेपर को होल्ड करने की उसकी जो वाटर वेपर्स की जो होल्ड करने की उसकी कैपेसिटी रहेगी वो इंक्रीज होती चली जाएगी। सो इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। और धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे करके ह्यूमिड होता चला जाएगा। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन। तो रेन क्या होता है, अल्टीमेटली जो प्रेसिपिटेशन होता है, जैसे कि जो ओशंस में वाटर है वो क्या हुआ, सन की एनर्जी के कारण क्या हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ। प्रेसिपिटेट होने के बाद क्या हुआ, वो कंडेंस्ड हो गया। कंडेंस्ड होने के बाद वो वाटर क्या हुआ, एवेपोरेट हो गया। जो ओशंस में जो वाटर है सनरेज पड़ने से वो एवोपरेट हुआ, फिर वो कंडेंस हुआ, वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ। वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, मतलब रेनफॉल हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म तीन तरह की रेनफॉल होती है, जिसमें कॉन्वेंशनल रेनफॉल होती है, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, साइक्लिक रेनफॉल होती है। कॉन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है, वो एयर के साइक्लोनिक प्रोसेस के कारण बनती है, जैसा कि हम लोगों को मालूम है। ऑरोग्राफिक जब एयर क्या करती है, पहाड़ों को चढ़ने की कोशिश करती है, तो ऑरोग्राफिक रेन कराती है, और फिर होता है एक साइक्लोनिक रेनफॉल, वो साइक्लोनिक के कारण होती है। आई थिंक आपको ये थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स की रेनफॉल हैं वो भी समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।